दोस्तों आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने जॉन कीट्स की एक पोएम के बारे में कभी ना कभी सुना होगा या फिर इसको पढ़ा होगा, ओड टू ऑटम या फिर ओड टू अ ग्रीसियन अर्न या फिर ऐसी कोई सी पोएम जो ओड से शुरू होती है, ओड वर्ड से शुरू होती हो। आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि ये ओड क्या चीज है। दोस्तों मैंने भी जब फर्स्ट टाइम ओड टू ऑटम को पढ़ा था तो सबसे पहले अपने टीचर से पूछा था कि ये ओड क्या चीज है। ओड दोस्तों मैं आपको बताऊं, एक पोएटिक फॉर्म है जिसका यूज किसी इवेंट को, किसी बंदे को, किसी जानवर को या किसी पक्षी को, किसी भी चीज को ग्लोरीफाई करने के लिए किया जाता है, उसकी तारीफ करने के लिए किया जाता है। ओड टू ऑटम में तारीफ की है जॉन कीट्स ने। तो दोस्तों आज हम इसको ढंग से डिस्कस करेंगे, इस पोएटिक फॉर्म को, ओड को। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। वैसे दोस्तों ओड के अंदर कोई सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज़ है तो वो है इसके टाइप्स। ओड बेसिकली तीन टाइप की होती है, पिंडारिक, हॉरेशियन और इरेगुलर। इन तीनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं, यानी कि ओड के ओरिजिन से। तो ये ओड जो वर्ड आया है ये आया है ग्रीक लैंग्वेज से, जिसका मतलब होता है सॉन्ग। एक ऐसा सॉन्ग जिसे ग्रुप में गाया जाता है और डांस भी किया जाता है साथ ही साथ, इसको गाए जाने के साथ साथ। तो ओड आज एक फॉर्म ऑफ पोएट्री है, लेकिन इसका जन्म हुआ था ग्रीक लैंग्वेज से। आज ये एक ऐसी पोएम मानी जाती है जो किसी इंसान, जगह, कोई चीज़ या आइडिया को ग्लोरीफाई करने के लिए या फिर कह लो उसकी तारीफ करने के लिए लिखी जाती है। बेसिकली मैंने आपको बताया कि इसके तीन टाइप्स होते हैं, पहला पिंडारिक, दूसरा हॉरेशियन और तीसरा इरेगुलर। सबसे पुराना टाइप है पिंडारिक टाइप। ये नाम पिंडारिक एक एंशियंट ग्रीक पोएट के नाम पर पड़ा है, और उस टाइम पर जो ओड्स को लिखा जाता था उसके अंदर म्यूज़िक होता था, डांस होता था, और किसी की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए वो पोएम्स लिखी जाती थी। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों कि पिंडारिक ओड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके अंदर तीन स्टैंजा होते हैं जिनका नाम होता है स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और एपॉड। ट्रू वाला स्टैंजा होता है स्ट्रोफी, फिर उसके बाद मिडल वाला एंटी स्ट्रोफी, उसके बाद एपॉड। जॉन कीट्स की पोएम ओड टू ऑटम इस टाइप के स्ट्रक्चर का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश ओड्स का अधिकतर पैटर्न इसी पिंडारिक ओड को फॉलो करके लिखा जाता है। जैसे थॉमस ग्रे की एक ओड है द प्रोग्रेस ऑफ पॉइजी, ये भी पिंडारिक ओड का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ की ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये जो ओड है विलियम वर्ड्सवर्थ की, ये भी पिंडारिक ट्रेडिशन में लिखी गई है। ध्यान देना, इसको इरेगुलर पिंडारिक ट्रेडिशन में लिखा गया है। दूसरा टाइप होता है दोस्तों हॉरेशियन ओड। ये नाम पड़ा है लैटिन पोएट हॉरेस के नाम पर। इस टाइप की जो ओड्स होती है उनको क्वाट्रेन्स में लिखा जाता है, यानी कि चार चार लाइनों में। मैं पिछली कई सारे वीडियो में बात कर चुका हूँ कि क्वाट्रेन्स क्या होते हैं, चार लाइनों के ग्रुप को क्या कहा जाता है, क्वाट्रेन्स। तो ये जो दूसरा टाइप होता है हॉरेशियन ओड्स का, इसको क्वाट्रेन्स और कपलेट्स दोनों में लिखा जाता है। दोस्तों कपलेट्स क्या होती है, दो लाइनों को कहते हैं कपलेट्स। ये भी मैं पहले कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ। जबकि ओड का जो तीसरा टाइप होता है इरेगुलर ओड्स, उसका यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज में जो ओड्स लिखी जाती हैं उसमें बहुत यूज़ किया जाता है इसका। दोस्तों ये तीसरे टाइप की जो ओड लिखी जाती है इरेगुलर ओड, इसके अंदर राइम को ज़रूर फॉलो किया जाता है, लेकिन इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। यानी कि ये जो ओड होती है ये पिंडारिक और हॉरेशियन ओड्स दोनों से एकदम अलग होती है, उनके स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करती। वर्ड्सवर्थ और कीट्स दोनों ने इस टाइप की ओड्स लिखी हैं, लेकिन पीबी शैले की जो ओड है ओड टू द वेस्ट विंड, वो इरेगुलर ओड का एक अच्छा एग्जांपल हो सकती है। इरेगुलर ओड के अंदर कोई भी फिक्स लाइन नहीं होती, किसी में तीन होती है, किसी में चार होती है, किसी में पाँच होती है, तो कोई भी फिक्स लाइन को फॉलो नहीं किया जाता। कि हॉरेशियन ओड्स के अंदर फिक्स लाइनें होती थी, जबकि पैटर्न की बात की जाए तो पिंडारिक पैटर्न को भी ये ओड्स फॉलो नहीं करती। उसके अंदर तीन स्टैंजा होते थे और इसके अंदर कितने भी स्टैंजा हो सकते हैं इरेगुलर ओड के अंदर। बात करें इंग्लिश लैंग्वेज में अर्लीस्ट ओड्स किसने लिखी थी, तो एडमंड स्पेंसर ने इंग्लिश लैंग्वेज में अर्लीस्ट ओड लिखी थी, एपिथैलेमियन और प्रोथैलेमियन। फिर 17th सेंचुरी में जाकर अब्राहम काउली ने इंग्लिश लैंग्वेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट ओड्स को लिखा। इन्होंने पिंडारिक स्टाइल को इरेगुलर वे में फॉलो किया था। इसके बाद दोस्तों थॉमस ग्रे आए, उन्होंने पिंडारिक स्टाइल में ओड्स को लिखा। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ ने आकर ये जो
अब्राहम काउली थे, इनके पैटर्न को फॉलो किया, यानी कि इररेगुलर पेंडेरिक स्टाइल में इन्होंने एंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी को लिखा। ये जो तीन टाइप्स होते हैं ओड के, ये ध्यान में रखने हैं, ये काम आ सकते हैं। सबसे पुराना टाइप कौन सा है? ग्रीक टाइप, यानी कि सबसे ओल्ड टाइप है पेंडेरिक ओड्स को लिखने का। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।